बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआ के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई, वो है मजेदार सा बीफ गोश्त चने की दाल के साथ, जो टेस्टी और बहुत मजे का बनता है। तो इसलिए हमने ये कम्प्लीट वीडियो को वॉच करना है, बगैर स्किप किए इजी मेथड से हम तैयार कर रहे हैं टेस्टी और लाजवाब सा बीफ गोश्त चने की दाल के साथ, जो गजाइए से भरपूर है और बहुत ही मजे का है। चलिए इसे इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त, बहुत टेस्टी मजेदार सा ये हमारे पास दाल गोश्त है। व्यूवर्स, बोनलेस तकरीबन 200 ग्राम से ज़्यादा ही है। तो ये हम इसमें डालेंगे, इसके अलावा व्यूवर्स इसमें हम डालेंगे ये दाल जो 100 ग्राम के करीब है, क्योंकि हम थोड़ी क्वान्टिटी में बना रहे हैं। और हाफ टी स्पून हमें चाहिए ये सॉल्ट, वो हम इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर, 1 टी स्पून हमें चाहिए लाल मिर्च, और हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1/4 चौथाई, ठीक हो गया, चौथाई चम्मच हमें हल्दी पाउडर चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स, ये हमें चाहिए गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची है, लौंग और काली मिर्च है, और थोड़ा सा काला जीरा है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, एक बड़ा साइज का प्याज लिया हमने, उसको बारीक काट लिया, और एक अदरक हमें टमाटर चाहिए, वो हम शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को हम व्यूअर्स इस गोश्त में अच्छे से डाल देंगे, ऐसे कुकर में गोश्त को डालेंगे, और ये थोड़ा प्याज हम सारे इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद व्यूअर्स, हम इसमें जो सारे ड्राई स्पाइसेस जो है वो हम डालेंगे, इसको हम गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी, इस समय व्यूअर्स हमने 1 गिलास का पानी का कम करना है, जिसमें हमारा गोश्त ये अच्छे से गल जाए। अब इस समय वैसे वेट दे दूंगी, और उसके अलावा व्यूअर्स ये एक अदर टमाटर है, वो भी हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे पूरा का पूरा। अभी व्यूअर्स, मैं इसको 15 मिनट का वेट दे दूंगी, ताकि गोश्त हमारे अच्छे से गल जाए, और उस टाइम तक हमारी दाल पानी में अच्छे से भीगी रहेगी, ताकि टेस्टी और मज़ेदार सी दाल गोश्त बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सा, बिल्कुल ईजी सिंपल तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम फिर इसके ऊपर रख देंगे सिटी को विसल को, ताकि इसको पकने नहीं छोड़ेंगे। और अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, ये व्यूअर्स मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, और फुल फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। फिर उससे पहले फ्लेम को कर देना बंद, और उसकी अच्छे से रिमूव कर देना है। फिर उसी मैंने कुकर खोल लिया, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त थाली से अलग हो चुके हैं, और थोड़ा सा पानी है, इसको हम अच्छे से कर लेंगे। फ्लेम को फिर से ऑन करूँगी, ऑन कर लीजिए, थोड़ा जी थोड़ा सा पानी है, वो उसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बेहतरीन सा हमारे इसमें भी गोश्त तैयार होगा चने की दाल के साथ। टमाटर मैंने पूरा ही डाल दिया, ये देखिए माशाल्लाह टमाटर अच्छे से इसमें मैश हो चुका है, सारे स्पाइसेस में बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत अच्छी सी स्मेल आ गई इस टाइम पर। अभी मैं इसमें आयल शामिल करूंगी, एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें आयल डाल देंगे। हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ऑयल के साथ, और अभी चंद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी। इस पॉइंट पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगा, अच्छे से भुनाई करेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह लहसुन डालने से मैंने बहुत जबरदस्त बनाना शुरू किया, इस टाइम पर इसकी भुनाई हम शुरू कर लेंगे अच्छे से। बहुत इजी है व्यूअर्स, मज़ेदार सी चना दाल और गोश्त की रेसिपी। तो इस गोश्त में आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, सेम इसी तरह ही आपने इसको कुक करना है। बस ये कि चिकन को आपने प्रेशर नहीं देना, उसको जस्ट मसाले में अच्छे से भून लेना है, और फिर इसको पका लेना है। बस माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त बनाई चुकी है, इस चने की दाल शामिल करूँगी। व्यूअर्स, जो चने की दाल थी उसका पानी मैंने वेस्ट कर दिया, उसको अच्छे से भी बो गया था, जब तक हमने इसका मसाला तैयार किया और उसको अच्छे से कुक किया, अभी हम दाल इसमें डाल देंगे। सारी दाल को हमको अच्छे से मिक्स कर देंगे,
दाल को गलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। यहाँ भी वैसे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है तकरीबन 5 गिलास के लिए, जिसमें दाल अच्छे से गल जाए। बर्तन को मैंने अच्छे से साफ कर लिया, उससे मिक्स करूँगी। उसके बाद हम उसको फिर से बैटरी में रख देंगे सिर्फ 5 मिनट का। ये बस मैंने कुकर को करके बंद और रख दिया विसल, और अब हम 5 मिनट का वेट देंगे और बस साथ ही हम दाल गोश्त की रेसिपी को तैयार करेंगे कम्प्लीट। विसल के बनने के बाद से 5 मिनट टाइम वेट करेंगे। इस समय मैंने फ्लेम को कर दिया बंद और उसकी विसल हटा देंगे ताकि इसके अच्छे से स्टीम रिमूव हो जाए। फिर मैं आपको चेक कराती हूँ दाल गोश्त जो हम बना रहे हैं टेस्टी और मज़े का उसकी क्या कंडीशन है। ये वैसे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दाल गोश्त हमारे बेहतरीन सिस्टम पर तैयार हो चुका है। इसमें ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है स्टोव पॉइंट पर। मैं इसको अभी निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सिस्टम पर कुक हो चुका है। मैं इसको दाल को चेक करते हैं इस टाइम पर कि दाल की क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह देखिए बस ये दाल अच्छे से हमारी कल चुकी है। जी व्यूअर्स इस टाइम पर हमारा बेहतरीन सा दाल गोश्त तैयार हो चुका है टेस्टी और बहुत ही मज़े का जायके से भरपूर और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है जो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। वैस स्किप किया है फिर ही आपका इंशाल्लाह से मज़ेदार सा बेहतरीन सा दाल गोश्त पकेगा। तो ये व्यूअर्स अभी देख सकते हैं गोश्त माशाल्लाह कितने अच्छे से गल चुका है। अभी बहुत गर्म है व्यूअर्स। इसी के साथ व्यूअर्स आपसे इजाज़त होंगी। ढेर सारी गाँव में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।